देखिए, वो तो इंडियन स्टेट गोवा आज इंटरनेशनली फेमस टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इसे इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बनाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। दरअसल दमन एंड दीव और गोवा पर 1510 के बाद से पोर्तुगीज का ही शासन था और उनका गोवा को एनेक्स करने के पीछे कई कारण थे। जैसे उस टाइम का मालाबार कोस्ट अपने स्पाइस ट्रेड के लिए वेस्टर्न रीजन में काफी फेमस था। पोर्तुगीज ने गोवा में न केवल अपना नेवल बेस बनाया बल्कि वेस्टर्न ट्रेड रूट के लिए पोर्तुगीज गोवा का यूज करते थे। पर जब 1947 में हमें आजादी मिली तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डाली गए दबाव के बावजूद भी पोर्तुगीज दमन एंड दीव और गोवा को छोड़ने को तैयार नहीं। और 27 फरवरी 1950 की मीटिंग में पोर्तुगीज ने बोल दिया ये टेरिटरी उनकी है और इसको लेकर हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। फिर इसको देख नेहरू जी ने ये फैसला किया कि गोवा को वापस लेने के लिए उन्हें फोर्सेस की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वॉर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसके बाद इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसका नाम ऑपरेशन विजय रखा गया। 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन शुरू हुआ और सिर्फ 35 घंटों के अंदर पोर्तुगीज के 451 साल के रूल को खत्म कर दिया गया और वहां मिलिट्री रूल लागू कर दिया गया, जिसके बाद 8 जून 1962 को यहां सिविलियन गवर्नमेंट को लाया गया। और जब इस ऑपरेशन को लेकर पोर्तुगीज यूनाइटेड नेशन के पास जाते हैं और एक्शन लेने को कहते हैं तो रशिया ने पोर्तुगीज का विरोध किया और इस अपोजिशन को यूएन से बैन करवा दिया।